हमारे परम प्रिय तिवारी जी को जल्दी जाना है, उसके बाद वो कल परसों में फिर आएंगे। उन्होंने नहीं कहा, हमने कह दिया। तो पंडित श्री मनोज तिवारी जी को भी जाना है, तो उनके द्वारा ये गीत सुन लें कि उन्हें जान दें, हो ना जाए। हाँ, कछु उनके मुख से सुन लें गीत, फिर उन्हें उन्हें कोई काम है, कोई विशिष्ट काम है। लेकिन कल परसों में वो उनका कहना था, गुरुजी आप चिंता ना करो। हमने कहा हम नाराज हैं, हम दिल्ली आए, तीन दिन हो गया और एक भी दिन। तिवारी जी बोले, आप चिंता ना करो, हम दो तीन दिन आएंगे। एक बार प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम सरकार की। दोनों हाथ उठा के बोलिए सन्यासी बाबा की। ये बड़ी कृपा है कि हमें यहाँ आज कथा में शामिल होने का मौका मिला। दिल्ली में बागेश्वर धाम सरकार आए हैं, ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है। और मैं तो बागेश्वर धाम भी हो के आया हूँ। मैं अपनी तरफ से आप सब लोगों को जो सामने हमारे भाई बहन कथा प्रेमी बैठे हैं, आपको भी, और जो पीछे तक सभी लोग, और जो मंडप में नहीं घुस पाए हैं उन लोगों को भी मैं मनोज तिवारी दोनों हाथ जोड़ करके धन्यवाद देता हूं। आप सब गुरु जी के सामने कथा का रसा स्वादन करिए। अभी नंदू भैया जी बहुत सुंदर भाव देखे गए हैं। अब मैं थोड़ा नीचे जाके, महाराज जी यहां से ना वो एंटीना नहीं पकड़ रहा है यहां से ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ और हूं, नीचे जाऊंगा तो मुझे कुछ और महसूस होगा। देखिए जी, आप सब लोग तो अच्छी तरह जानते हैं ये कथा 15 अगस्त को शुरू हुई है। तो भैया ये कौन सा सुर दिए थे अभी चल रहा था जो तीन? दूसरा, दूसरा। हाँ देना फिर से, तीन तीसरा कर देना। मेरा भी भाग्य एक छोटा सा भाव मैं भी प्रस्तुत करना चाहता हूं, उसके बाद तो आप सब चलेंगे। पंद्रह अगस्त से शुरू कथा है, पंद्रह अगस्त से शुरू कथा है, ये भी एक इशारा है। पंद्रह अगस्त से शुरू कथा है, ये भी एक इशारा है। राम कृष्ण सन्यासी बाबा जहां आए वो देश हमारा। बागेश्वर धाम पधारे दिल्ली, श्री बागेश्वर धाम सरकार पधारे दिल्ली, ये तो गौरव हमारा है। सन्यासी बाबा की कृपा से गूंज रहा यश सारा। ये तो सब प्रेम की बातें हैं। अभी जो गुरु जी ने जो कथा सुनाई जज साहब की, वो तो विश्वास और प्रेम की कहानी है। कई बार भक्त के लिए भगवान को झुकना पड़ता है बाबा।